फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ एंड हैक। मैं अभी अपने जो मैंने अमेजोन से आर्टिफिशियल कुछ प्लांट मंगाए थे वो मैं इसमें पॉट में ऑर्गेनाइज कर रही थी, तो सोचा कि क्यों ना मैं आपसे शेयर करूं पहले कि मैंने कैसे और अलग अलग टाइप के प्लांट मैंने मंगवाए हैं अमेजोन से। तो गाइस, पहले मैं आपसे पॉट के बारे में बात करती हूँ। मैंने मंगाए हैं, जैसे ये पॉट है, ये मेटल या पीतल में कुछ है, इस पे प्रिंट किया हुआ है। ऐसे ये दो का पेयर है और इनके साथ ये स्टैंड है, तो इस स्टैंड में इसको रख सकते हैं। और इस स्टैंड में आप देख रहे हैं जैसे कि रबड़ लगा हुआ है ताकि इस पे स्क्रैच ना पड़े, और नीचे भी ये लगा हुआ है ताकि जहाँ रखते हैं वहाँ भी स्क्रैच ना पड़े। ये बहुत इसकी अच्छी बात है। इन दो पेयर के साथ एक ये मंगाया था, ये बिना प्रिंट का है इस पे, और जैसा कि आप देख रहे हैं इस पे थोड़ा सा वर्क हो रहा है। ये भी बहुत सुंदर लग रहा है दिखने में। और इसके साथ भी ये स्टैंड है, और ये मैंने आपके साथ शेयर इनके बारे में तो मैं कर चुकी हूँ। ये मैंने जो अमेजोन से लिया था पहले, जो एक ये भी मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। इसके अंदर प्लांट आए थे, लाइव प्लांट आया था जड़े का, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ऑनलाइन कोई भी लाइव प्लांट ना ऑर्डर करें, क्योंकि मेरे ये ज़्यादा दिन एक्चुअल में चले नहीं। और जो नर्सरी वाले हैं वो कहते हैं कि छोटे में कभी भी लाइव प्लांट नहीं चलते हैं, तो इसलिए मैंने आर्टिफिशियल प्लांट मंगाए हैं अपने जो भी स्मॉल पॉट है उनके लिए, जिसमें से मैंने पहले ये मंगवाया था। ये इसमें तीन ये ग्रीन हैं स्मॉल स्मॉल, जैसे इनके अंदर डालने के लिए, और एक जैसा कि आप देख रहे हैं ये है पिंक कलर का, और एक ये ऑरेंज कलर के फ्लावर का। ये पांच का सेट आया था इसके साथ, और इसकी प्राइस अराउंड आई थिंक 500-600 के आसपास है। और कुछ मैंने ये मंगाया, ये आज ही आए हैं अमेजोन से, मैंने अभी देखे नहीं है खोल के। और हाँ, मैंने ये मंगाए हैं रॉक्स पत्थर, इनमें अंदर भरने के लिए, जैसा कि आप देख रहे हैं ऑलरेडी मैंने इसमें भर रखा है, और इसमें वाइट के साथ साथ ये मल्टी कलर के भी हैं। ये हैं, ये दिखने में बहुत ही सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं। आप चाहेंगे तो मैं इनके लिंक शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इसका ये पैकेट आया था 2 kg का है, और ये भी 2 kg का है, ये दोनों 2 kg के, और ये अराउंड मुझे बहुत सस्ते मिले, 200 समथिंग कुछ का है वाइट, और 200 समथिंग कुछ के आसपास का ही ये मल्टी कलर के है। तो मैंने दोनों अमेजोन से मंगाए हैं, ये अलग अलग हैं, साथ में कॉम्बो नहीं था। तो अभी देखते हैं प्लांट। इसमें आई थिंक 11 प्लांट थे एक साथ। एक ये है, और एक ये है, ये नॉर्मली उसमें जो होता है ना फिश टैंक, उनमें लगता है, जैसे फिश टैंक में छोटे छोटे फ्लावर लगते हैं उनमें यूज होता है, लेकिन आप पॉट में भी चाहे तो लगा सकते हैं अगर आपके पास कोई स्मॉल पॉट है उसके लिए। देखिए इसमें मतलब अलग अलग डिज़ाइन और अलग अलग कलर के हैं, बहुत ही सुंदर लगे मुझे। और इनके प्राइस भी यही 400-500 के आसपास के हैं। ये सभी अलग अलग कलर और अलग अलग डिजाइन में है, बहुत ही सुंदर है। ये आपके फिश टैंक में तो बहुत ही सुंदर होगा, अगर आपके फिश टैंक है तो आप उसके लिए जरूर मंगा सकते हैं। और बाकी पॉट में कैसा लगता है वो मैं लगा के आपको बताऊंगी। अच्छा लगता है कि मुझे रिटर्न कराना पड़ेगा वो लगाने के बाद पता चलेगा। लेकिन इनको देख के ऐसा लग रहा है कि ये फिश टैंक में बहुत ही सुंदर लगेंगे।
मैंने इसको भी सजा दिया है, और ये आप देख रहे हैं जैसे कि मल्टी कलर्स के साथ बहुत सुंदर लुक आ रहा है। देखिए व्हाइट के साथ मिक्स करके काफी सुंदर है ये जो भी मल्टी कलर के स्टोन है। ये दो हमारे जो रेडी है, अब हम इसको रेडी करेंगे। आई थिंक इसमें मुझे ग्रीन डालना चाहिए, ये अच्छा लगेगा कि अगर आप जैसे वीडियो देख रहे हैं, अगर कुछ भी आपको लगे कि नहीं इसमें ये अच्छा लगेगा तो प्लीज कमेंट मी। आई थिंक ये इसके बड़े हैं तो ये मुझे इसमें ट्राई करना चाहिए। ये मैंने अभी इसको भी भर दिया है और बाकी स्पून की हेल्प से धीरे धीरे डाल रही हूँ। साइज में और भी अलग अलग टाइप के आते हैं, अगर आप मल्टी कलर के भी स्मॉल चाहते हैं तो आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन, और अगर आप वाइट के भी बड़े चाहते हैं तो वो भी अमेजोन में अवेलेबल हैं, जिससे आपकी रिक्वायरमेंट हो। इसको स्पून की हेल्प से भरेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये हमारा 30 रेडी है। और ये इसमें ना वेट भी नहीं है, इसकी सबसे बेटर बात है इसमें कोई वेट नहीं है। अगर आप कोई ऐसी जगह भी रखना चाहते हैं तो इनमें बिल्कुल वेट नहीं है, मेटल के होते हुए भी। और आप इसको ट्राई करेंगे। इनमें भी मैंने यही भरा है, ये स्मॉल का सोच रही थी पर इस पे मुझे ये ज्यादा अच्छा लगा। अच्छे से देखिए ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। इसको और थोड़ा, या बड़े आप देखिए कंट्रास्ट में अलग अलग तरीके के डाल सकते हैं। इट्स डन। और अब ये इसकी बारी है, इसमें हम ये जो हमारा बचा हुआ है एक, इसको हम इसमें ऐड करेंगे। ये बहुत छोटा है, इसको थोड़ी दिक्कत पड़ रही है डालने में। इसमें आई थिंक ये जो मल्टी कलर के हैं वो नहीं दिखे क्योंकि काफी छोटी जगह है साइड में। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। इन पॉट की सबसे अच्छी बात है कि ये काफी अच्छे उसमें साइज में है कि ये आपकी किसी भी टाइप के पॉट में एडजस्ट हो जाएंगी, और अगर आप पॉट में नहीं भी एडजस्ट करना चाहते हैं तो भी ऐसे भी ये स्मॉल कहीं भी रखे हुए अच्छे लगेंगे।
मेन में फिक्स करने की कोशिश कर तो रहे हूँ, पर एक्चुअली काफ़ी इसमें साइड में बहुत कम स्पेस बचा है, तो ये पे मैं नहीं डाल रही। ये भी फिनिश हो गया इसका काम, देख रहे हैं आप। जैसे कि कोशिश करी है मैंने बड़े में एडजस्ट करने की, पर ये साइड में स्पेस कम था इसलिए मैंने थोड़ा ज़बरदस्ती फंसाए हैं, लेकिन अब ये कंप्लीट है और ये मुझे बहुत अच्छे लगे सारे ही। मुझे इनका कलेक्शन मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इनके स्पेशली इनके क्या कलर जो भी हैं ये काफ़ी ब्राइट हैं इनके पॉट के, और नॉर्मल भी आप कहीं बाथरूम में कहीं भी अगर आप ये पॉट रखते हैं तो काफ़ी सुंदर लगेगा। इनका साइज ना बहुत ही छोटा है ना ही बड़ा है, तो बाथरूम या इसी जगह पे आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और मेरे पास ये पॉट था इसलिए मेरे को इसमें पॉट में डालना था। और आपको ये कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ये अभी कुछ काम नहीं आया है, देखती हूँ अगर ये कहीं और एडजस्ट होते हैं तो मैं इनको करूँगी और जहाँ एडजस्ट करूँगी आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी गाइस, नहीं तो मैं इनको रिटर्न कर दूँगी अगर मुझे लगा कि नहीं कहीं एडजस्ट हो रहे हैं तो फिर मैं इनको रिटर्न करूँगी। लेकिन अगर आप इसे स्मॉल साइज़ के मंगाना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छी इनकी वेराइटी है, आप ज़रूर इनको ऑर्डर कर सकते हैं। और स्पेशली आपको जैसे बताया फिश टैंक के लिए अगर आप ढूंढ रहे हैं तो काफ़ी अच्छा है इनमें। तो बस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।